सो फ्रेंड्स, ये है वो फ्रिज ओपन करने के बाद। इसमें आप देख सकते हो कितना बड़ा है। ये करीब होगा 5.8 इंचेस होगा करीब। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 20 इयर्स वारंटी एंड डिजिटल कंप्रेसर। ये कन्वर्टेबल फ्रिज है और 2 स्टार है। मैंने एक्चुअली 2 स्टार लिया है। 2 स्टार और 3 स्टार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने लिया है। तो इसको ये मुझे पड़ा करीब 30,000 का। इसका प्राइस आप देखोगे ना तो 40,000 है। इसका मार्केट प्राइस 40 to 45,000 है, लेकिन 30,000 पड़ा। इसका एक टेक्निक है, आपको मैं बताऊंगा। अगर आप भी आपको भी लेना है तो आप कर सकते हो। आप एक नो कॉस्ट EMI सिलेक्ट करना 1 ईयर के लिए, फिर उसको कैंसिल करके नॉर्मल डायरेक्ट पेमेंट करना, तो आपको वो नो कॉस्ट वाला डिस्काउंट मिल जाएगा करीब करीब 3,500 रुपया। तो ये है उसका प्राइस, इसलिए 30,000। और बहुत ही बड़ा फ्रिज है। इसके अंदर हम देखेंगे, ये देखिए, ये पहला है आपका एक छोटा कंटेनर। इसमें आप नींबू या फिर कोई भी मसाले वगैरह रख सकते हैं। ये दोनों एक कंटेनर से करीब 9 18 eggs 1.5 dozen अंडे इसमें रहेंगे। ये है बड़ा बॉटल होल्डर, यहाँ पे बड़ा बड़ा बॉटल रहेगा आपका। ये देखिए, आपका कूलिंग जोन है। यहाँ पे फिश मीट या फिर कोई भी अदर चीज़, डायरी वगैरह इसमें रख सकते हैं। ये वाला कंटेनर जो है, इसमें आप नॉर्मली दूध दही बड़ा बड़ा बर्तन में रख सकते हो, इसलिए स्पेस भी ज़्यादा दिया है। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है आपके लिए, वो फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए है। और ये स्लाइडर है, आप स्लाइड करके रख सकते हो। तो पहले इसके, ये देखिए ऊपर आप देखोगे ना, ये ऊपर आप देख सकते हो, ये है आपका कंट्रोल पैनल। इसमें दोनों साइड में लिखा है, पहले फ्रीज कन्वर्टर। आप कन्वर्टेबल है तो इसको आप, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आपका, इसको आप फ्रीजर या फिर नॉर्मल फ्रीज कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कन्वर्ट कर दोगे तो ये फ्रीज की तरह काम करेगा। ये वाला ऊपर वाला है आपका फ्रीजर के लिए, नीचे वाला है आपका फ्रीज के लिए, ठीक है। और ये कन्वर्टेबल आप कर दोगे तो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको ओपन करेंगे ना, तो इसको मैं दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर है। इसके अंदर आप देख सकते हो, ये एक सेल्फ है। इसके ऊपर आप, ये आइसक्रीम वगैरह के लिए है, नॉर्मल फ्रीजर है। और यहाँ पे आपका आइस ट्रे है। दोनों साइड में दोनों कंटेनर होल्डर है, आप कुछ भी रख सकते हो इस दोनों साइड में, ठीक है। और बाकी स्पेस भी बहुत ही अच्छा है। और इसका वज़न, कंप्लीट वज़न इसका होगा करीब 60 kgs, ठीक है। और आप देख सकते हो साइड में कितना बड़ा है। अगर आपको लेना है ना ये फ्रिज, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाइंग लिख के आप जाके खरीद सकते हो। और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ है कि इसको नीचे ही रखना है आपको। इसमें कोई भी स्टैंड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा स्टैंड में। और दूसरी बात है कि इसको ज़्यादा देर तक खोल के नहीं रखने का है। नॉर्मल ओपन करो, चीज़ कुछ रखो, फिर इसको क्लोज कर देना है, इतना ही करना है। बाकी जो है, हॉट चीज़ें नहीं रखनी है, नॉर्मल चीज़ें रखनी है। और इसको पहली जो यूज़ करना है आपको 4 आवर्स के बाद, एक बार इंस्टॉल करने के 4 आवर्स के बाद आपको इसको यूज़ करनी है। बाकी इसका सपोर्ट वगैरह, यहाँ पे नंबर्स दिया है, आप इसमें नंबर्स में कॉल करके आपका कंप्लेन, वारंटी रिलेटेड इश्यूज़ को बुक कर सकते हो। ये फोर्स फ्री है और डायरेक्ट कूल है, तो आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको नॉर्मल फोर्स फ्री सब फैसिलिटीज़ मिलेगा। पीछे की साइड पूरा क्लीन है, आप इसको पूरा मतलब यहाँ तक आप सटा के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेस मैनेजमेंट अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए 350 लिखा है पीछे, मतलब इसका जो साइज़ है 363 है, लेकिन 350 तक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। ये फ्रिज बहुत ही अच्छा है, इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। आप इसको ले सकते हो डे टू डे यूज़ के लिए, बड़ा सा फैमिली के लिए अच्छा है। इसको बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाके बाय कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।